हूं दिवांजलि मोइत्रा। बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए तैयारियां भी जोरों पर है। तैयारियां ऐसी कि तैयारियां करते करते न जाने कितने ही लोग दुनिया भर में फैली महामारी का शिकार हो गए। सीएम नीतीश कुमार से जुड़े रिश्तेदारों में से ही न जाने कितने लोग इस गंभीर बीमारी का शिकार हो गए। लेकिन चुनाव अहम है क्योंकि इसी पर तो टिके हैं अगले 5 साल। कौन मेवा खाएगा और कौन फिर से अगले चुनाव में और मेहनत कर लोगों को लुभाने के सपने बुनेगा। इस बीच कई पुराने नेताओं की भी याद आ जाती है जिनका चुनाव के दौरान या फिर जनता के बीच अलग दबदबा कायम रहता था, जिनमें से एक नेता का नाम था अजीत सरकार। जनप्रिय नेता अजीत सरकार पूर्णिया विधानसभा सीट से 4 बार विधायक रहे और जनता में अपनी एक अच्छी पकड़ रखते थे। साल 1980 में अजीत सरकार पूर्णिया विधानसभा सीट से माकपा ने अपने युवा नेता के तौर पर उम्मीदवार बनाया था। अजीत सरकार शहर के चर्चित होम्योपैथ डॉक्टर के बेटे थे। अजीत सरकार की किसी से अदावत इतनी बुरी थी कि इनके अंदर 107 गोलियां दाग दी गई थी। वजह थी सामंतवाद के विरोध। अजीत सरकार के मन में सामंतवाद के खिलाफ नफरत थी। बड़े होकर जब अजीत जुझारू हुए तो मार्क्सवादी बन गए। जमींदारों की जमीन कब्जा कर उसे अजीत सरकार ने गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। गरीबों के मसीहा बने अजीत सरकार को लोग अजीत दा कहकर बुलाते थे। अजीत सरकार की अनोखी शैली का हर कोई कायल था। उनका दफ्तर पूर्णिया के झंडा चौक के पास था। चुनाव प्रचार के नाम पर वो एक गमछा बिछाकर बाजार में बैठ जाते थे और आने जाने वालों से कहते थे कि वो उनके गमछे में 1 रुपए का सिक्का डाल दें। जी हाँ, 1 रुपए के सिक्के से चुनाव लड़ जाने का मादा सिर्फ अजीत सरकार के पास था। अजीत सरकार के गमछे पर 1 रुपए से ज्यादा डालने की सख्त मनाही। जन जन में उनके प्रति लोगों का प्यार कुछ ऐसा उमड़ता था कि देखते ही देखते अजीत सरकार का गमछा एक एक के सिक्कों से भर जाता था। उसके बाद अजीत उन सिक्कों का पिटारा लेकर घर लौटते थे और फिर उनकी गिनती करते थे। उसी से अनुमान लगा लेते थे कि उन्हें कितने वोट मिलेंगे। 4 बार लगातार किसी का पूर्णिया से विधायक बनना हंसी खेल था क्या? लेकिन अजीत सरकार सिर्फ इन सिक्कों के बल पर 4 बार विधायक बने। कहा जाता है कि जब अजीत सरकार का दौर चलता था तो वक्त ऐसा था कि एक मकान कम से कम 600 रुपए में किराए पर मिलता था। घर का खर्च अजीत सरकार की पत्नी माधवी चलाती थी जो कि एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। धीरे धीरे अजीत सरकार का रुतबा हर तबके में बढ़ रहा था। जन जन का प्यार उन्हें और शक्तिशाली बना दे रहा था। लेकिन यही बात पूर्णिया जिले के पूंजीवादी और सामंती लोगों को खटकती थी। 14 जून 1998 की शाम को अजीत पूर्णिया शहर के अंदर घूम रहे थे, तभी अपराधियों ने उन्हें घेर लिया और उन पर लगातार फायरिंग शुरू कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि अजीत सरकार पर 107 गोलियां चलाई गई थी। इस निर्मम हत्या से साफ संकेत मिल गए थे कि अजीत सरकार के प्रति लोगों के मन में कितना गुस्सा भर चुका था। अजीत को मिल रहे मान सम्मान दुलार को सामंतवादी पचा नहीं पाए और खड़े खड़े गोलियों से भून डाला। अजीत सरकार का जाना बिहार के लिए या सबसे ज्यादा पूर्णिया जिले के लिए ऐसा था कि उनके जाने के बाद जिले के हालात बेहद खराब हो गए। पूरे पूर्णिया शहर में विरोध की आवाज बुलंद होने लगी। हालात ऐसे हो गए कि तत्कालीन मुख्यमंत्री को हेलीकॉप्टर से आकर लोगों को शांत करना पड़ा। उस वक्त लालू प्रसाद यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और भरी भीड़ में लोगों को शांत कराने पहुंचे थे। लालू के साथ अजीत सरकार के बेटे अमित सरकार ने भी लोगों से शांत रहने की अपील की थी। भीड़ के शांत होने के बाद ही अजीत सरकार के शव का पोस्टमार्टम हो पाया था, जिसमें 107 गोलियां मारे जाने का दावा किया गया था। अजीत सरकार की हत्या मामले में पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, राजन तिवारी और अनिल कुमार यादव को आरोपी बनाया गया। मामले में पप्पू यादव को 8 साल जेल की कालकोठरी में बंद रहना पड़ा था। उसके बाद पटना हाईकोर्ट ने उन्हें छोड़ दिया था, लेकिन पिता की हत्या ने बेटे से भी बिहार छुड़वा दिया। अजीत सरकार की हत्या के बाद बेटे अमित पर भी जान जाने का संकट मंडराने लगा था, तो अमित सरकार ने फिर भारत छोड़कर ऑस्ट्रिया जाने का मन बनाया और वहीं पर रहने लगे। लेकिन अजीत सरकार की इस कहानी को सुनने के बाद आप उनके व्यक्तित्व से जरूर प्रभावित हुए होंगे। क्या आपने पहले कभी अजीत सरकार की कहानियों को सुना है? अगर इन सबके अलावा भी आप अजीत सरकार के बारे में कुछ जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमारे व्यूअर्स को इस बारे में जरूर बताएं।